पूर्व छात्र सम्मान व भामाशाह सम्मान समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान प्रसादी लाल जी बीना, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं आबकारी मंत्री राजस्थान सरकार, सीनियर एडवोकेट पंचायत समिति लालसोत के माननीय प्रधान श्री नाथू लाल जी बीना साहब, जो आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, हमारे लालसोत नगर की प्रथम महिला नगर पालिका लालसोत की अध्यक्षा श्रीमती रक्षा मिश्रा जी, लालसोत के रोल मॉडल और जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के पूर्व कुलपति सम्माननीय हमारे लालसोत के लाल डॉक्टर विनोद शास्त्री जी, जो हमारे मंचासीन हैं, आज के विशिष्ट अतिथि हैं, नगर पालिका लालसोत की उपाध्यक्ष महोदया श्रीमती संतोष स्वामी जी, इसी विद्यालय के पूर्व छात्र प्रमुख समाज सेवी और हाल ही में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चांसेन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए श्री दीपक पुरोहित जी, आदरणीय रमेश जी ग्रामीण जो इस विद्यालय के पूर्व छात्र हैं, और सन 1969 में आपने यहां से सेकेंडरी की, आज बहुत प्रख्यात आर्टिस्ट हैं, मुंबई और बेंगलोर में आपकी आर्ट गैलरी है, आप जो ये पिक्चरें देखते हैं बॉलीवुड की, उन पिक्चरों में जो शूटिंग में जितनी भी जो आर्ट देखते हैं वो सब आपके द्वारा दी जाती है। अभी मैं बात कर रहा था उनसे, ये हमारे बहुत गौरव की बात है। रमेश जी ग्रामीण साहब हमारे बीच हैं, हमारे आदरणीय पूर्व चेयरमैन और खादी ग्रामोद्योग समिति लालसोत के अध्यक्ष श्री दिनेश जी मिश्रा साहब, आदरणीय एसडीओ साहब श्रीमान सीडीओ साहब श्री गोविंद नारायण जी माली, जो अभी हाल ही में पदोन्नत होकर हमारे दोसा में सीडीओ पद पर आसीन है, और हमें बहुत खुशी है कि लालसोत का नाम वो रोशन कर रहे हैं और इसी विद्यालय के पूर्व छात्र भी हैं। आदरणीय सीडीओ साहब रामगढ़ पचवाड़ा श्री बुरालाल जी जांगीर साहब, लालसोत के कार्यवाहक सीडीओ साहब श्री विनोद जी नोनियाल, आदरणीय दीपक जी पटेल जो गिदवाना के पूर्व सरपंच हैं और बहुत ही एनर्जेटिक राजनेता है, हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं, श्रीमान प्रद्युम्न सिंह जी सरपंच मिर्जरना, आदरणीय राजेंद्र जी पाटला साहब नगर कांग्रेस के अध्यक्ष, सम्मानित श्री रामविलास जी खेमावास पीसीसी सदस्य हमारे बीच यहाँ मौजूद है, हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लालसोत पंचायत समिति के उप प्रधान श्री कैलाश जी दुसार साहब, मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे पूर्व छात्र और पत्रकार बंधु श्री कमलेश जी आसिका साहब जो दैनिक भास्कर की पत्रकारिता करते हैं, श्री महेश बिहारी जी जो राजस्थान पत्रिका की ओर से पत्रकारिता करते हैं, इस विद्यालय के पूर्व छात्र, हमें बहुत गौरव है आप पर कि आप यहाँ पधारे हैं आज इस सम्मान समारोह में। सम्माननीय श्री महेश जी गुप्ता पत्रकार, सम्माननीय श्री कमलेश जी त्रिवेदी साहब जो दैनिक नवज्योति की ओर से पत्रकारिता करते हैं और इस विद्यालय के पूर्व छात्र हैं, इस कार्यक्रम में पधारकर हमें गौरवान्वित किया है। हमारे बीच आज बहुत गौरव का विषय है कि इसी विद्यालय से सन 1972 में सेकेंडरी यानी कक्षा 10 पास करने वाले जो उस जमाने के मेरिटोरियस छात्र रहे हैं, और आप जिनको देश विदेश में जिन्होंने ज्योतिष विद्या को बहुत प्रख्यात किया है, बहुत प्रसिद्ध किया है, दैनिक भास्कर में आप प्रतिदिन जिनके नाम से राशिफल देखते हैं, जब कोई व्यक्ति अखबार देखता है तो सबसे पहले वो अपना राशिफल देखता है, हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। लालसोत के लिए आप रोल मॉडल है और राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, और जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के 15 से 18 तक आप कुलपति रहे हैं, बहुत बड़े ओहदे पर रहते हुए भी आप में कितना सरल और सौम्य स्वभाव है। डॉक्टर विनोद जी शास्त्री साहब जो हमारे बीच आज पधारे हैं, हमने आपसे निवेदन किया कि हमारे बच्चे इस विद्यालय में कम से कम करीब 1250 विद्यार्थी है, ग्रामीण इलाके से आने वाले ये बच्चे आपसे बहुत अच्छा मोटिवेशन आज प्राप्त करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आपका। आदरणीय ओम प्रकाश जी चतुर्वेदी साहब जो रामगढ़ पचवाड़ा से सेवानिवृत्त हुए हैं प्रधानाचार्य से और यहाँ इसी विद्यालय में पढ़े हैं, हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। श्री सुभाष जी पाड़िया जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं राजेश पायलट महाविद्यालय लालसोट में, हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। श्रीमान अतुल जी बेनाड़ा जो इसी विद्यालय से पढ़े हैं, और हमारे
हमें बहुत गौरव है कि आप इस विद्यालय से पढ़कर आज व्यवसायी के रूप में, समाज सेवी के रूप में और राजनेता के रूप में आप एक अलग पहचान बनाए रखे हुए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। डॉक्टर प्रमोद जैन साहब, डॉक्टर अभिजीत आशिका जी, श्री सद्दाम हुसैन जो इस नगर पालिका में, हमारी नगर पालिका लालसोट में पार्षद है और इस विद्यालय से पढ़े हैं, हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हमारे एसीडीओ साहब श्री बिहारी लाल जी वर्मा जो इसी विद्यालय में पढ़े हैं और भी बहुत सारे हमारे बीच आज पूर्व छात्र इस विद्यालय से आए हैं। मैं आपको आदरणीय मंत्री जी ये बताना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान सरकार जो लोक कल्याणकारी सरकार है और इसके शिक्षा विभाग की एक योजना है कि प्रत्येक विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया जाए और वार्षिक उत्सव में जो पूर्व छात्र जो इस विद्यालय से पढ़े हैं और आज एक बहुत बड़े ओहदे पर पहुंच गए हैं, बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं समाज में, उन लोगों का एक ग्रुप बनाया जाए, एलुमनाई ग्रुप बनाकर उनसे रिक्वेस्ट की जाए, उनसे आग्रह किया जाए कि आप इस विद्यालय के लिए क्या कर सकते हैं, क्या सहयोग कर सकते हैं। आप चूंकि यहाँ से पढ़े हैं और यहाँ से पढ़कर जाने के बाद आप समाज में एक अलग पहचान आपने बनाई है, तो निश्चित रूप से आपका एक दायित्व बनता है कि आप विद्यालय के क्या कर सकते हैं। तो हम आज इस पूर्व छात्र सम्मान समारोह में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए आशा करेंगे कि आप इस विद्यालय को आज टेक्नोलॉजी के युग में, चूंकि यहाँ बहुत गरीब तबके से आने वाले बच्चे पढ़ते हैं और आप जानते हैं सरकारी जो इमदाद है, वैसे तो हमारी सरकार आजकल बहुत सारी योजनाओं में सरकार को इमदाद देती है, अनुदान देती है, बहुत सारी योजनाएं चलाती है, लेकिन चूंकि आज टेक्नोलॉजी का युग है, आज आधुनिक तकनीकी का युग है, इस युग में हम सरकारी विद्यालयों को भी आज प्राइवेट स्कूलों से कैसे आगे ले जा सकते हैं, इतनी बड़ी तादाद में जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनको हम कैसे अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, इसके लिए हम चूंकि आप सबका सहयोग चाहेंगे, ये मैं आपसे आशा करूंगा और निश्चित रूप से आप इसके लिए बहुत अच्छी तरह तैयार है, ये तो आपको देखने को मिल रहा है कि आप इतनी तादाद में यहाँ पढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं समाज के भविष्य का निर्माण शिक्षक करता है और शिक्षक व्यक्ति को इस काबिल बनाता है कि वह देश की उन्नति और प्रगति में योगदान दे सके, और समाज एक इमारत है तो शिक्षक उस इमारत का सृजन करता है जो जीवन में छाए अज्ञान के अंधकार, संशय के बादल और मन में छाए नकारात्मक विचारों को हटा सके। सही मायने में वही एक सच्चा शिक्षक है जो ज्ञान का प्रकाश फैलाता है और हमारे जीवन को सद्मार्ग की ओर ले जाता है। एक शिक्षक की परिभाषा भी एक जीवन वृक्ष की तरह होती है, उस वृक्ष की तरह जो अपने स्थान पर खड़ा रहता है लेकिन अपने अनुभव और ज्ञान रूपी पत्तों से वह अपने शिष्यों को शिक्षा रूपी ऑक्सीजन गैस प्रदान करता है। जब तक शिक्षक शिक्षा के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होता और शिक्षा को एक मिशन नहीं बनाता, तब तक अच्छी शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। शिक्षक अपने कर्तव्य का पूर्ण समर्पण के साथ पालन करेंगे तो लोग दिल से सम्मान करेंगे। अंधियारों को चीर कर जो रोशनी की राह दिखाए, सच और झूठ का बोध कराए, गलत सही का भेद बताए, अहंकार को जड़ से मिटाकर उदारता को विकसित करे और नकारात्मकता को जीवन से मिटाकर एक नई सोच से अवगत कराए, वही सच्चे मायने में शिक्षक कहलाता है। मैं आज शिक्षकों से इस अवसर पर, जब हमारे बीच इतनी शख्सियत यहाँ पे, ऐसे व्यक्तित्व यहाँ बैठे हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य से, अपने अनुभवों से समाज में बहुत सारा उजियारा फैलाया है, हमें इनसे शिक्षा लेने की जरूरत है, हमें समर्पण की जरूरत है, हमें निष्ठा की जरूरत है और हमें लगन की जरूरत है। आप जानते हैं रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। किस्मत कभी भी उपहार में सफलता नहीं देती है, ये आपको सिर्फ अवसर और संभावना देती है और उन्हें सफलता में परिवर्तित करना आपके प्रयत्नों पर निर्भर करता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस अवसर पर जब हम वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, हमारे इस विद्यालय की संपूर्ण उपलब्धियों का यहाँ बखान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज आपको ऐसे व्यक्तित्व जो हमारे मंच पर आज उपस्थित है उनके समक्ष ये संकल्प लेना है कि आने वाली परीक्षा में आपको अव्वल आना है और निश्चित रूप से आप ये करेंगे। हालांकि आप देखते हैं कि आजकल बच्चों पर पढ़ाई का भी बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा दबाव बन रहा है, तो दबाव में आने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं आपसे ये पंक्तियां कहना चाहूंगा कि तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिरकर
फिर से खड़े होना। जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, आज जो आगे हैं कल तेरे पीछे होंगे, बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू लड़ना मत छोड़ना। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, प्राथमिकता पे रखें, लेकिन इसके साथ हमें जीवन जीना भी बहुत जरूरी है। राजस्थान सरकार ने चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आप जानते हैं, पिछले 4 सालों में दौसा जिले ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। इससे न केवल चिकित्सा संस्थानों में वृद्धि हुई है बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार के साथ ही राजस्थान आज चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अव्वल पड़ गया है। हमारे राजस्थान में नहीं, संपूर्ण देश में राजस्थान को चिकित्सा के क्षेत्र में अव्वल माना जाता है। और ये इसलिए संभव हुआ है कि हमारी लोक कल्याणकारी माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार ने हमारे लाडले और हमारे चिर परिचित विधायक श्री प्रसादी लाल जी मीणा, जो आज आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री है, हमें आप पर बहुत गर्व है, बहुत अभिमान है। निश्चित रूप से हम आपके बहुत सारे सब बच्चे आपका बहुत ही इस अवसर पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, आपने इस विद्यालय के लिए बहुत कुछ किया है। 25 लाख का अभी आप देखते हैं, जैसे ही विद्यालय में आप प्रवेश करते हैं तो 25 लाख का एक मंच जो निर्माण हो रहा है वो करीब करीब तैयार हो गया है। हमारी इस निर्माण की नोडल एजेंसी हमारी नगर पालिका है, जो बहुत अच्छा काम यहाँ पे कर रही है। आदरणीय दिनेश जी मिश्रा और हमारी चेयरमैन साहिबा श्री रक्षा मिश्रा जी, इनका पूरी तरह मॉनिटरिंग कर आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा निर्माण आपने कराया है। 50 लाख माननीय मंत्री जी के द्वारा दिए गए, इसके ऊपर अभी हॉल का निर्माण अभी शुरू हो रहा है। साथ ही आज हम कुछ ज्यादा मांगेंगे नहीं, क्योंकि आज हम केवल आपको यहाँ सम्मानित करने के लिए, आपका अभिनंदन करने के लिए यहाँ बुलाया है। लेकिन फिर भी हमारी इस विद्यालय की प्राथमिकताओं में है कि इस विद्यालय में 1250 विद्यार्थी है। आज हमारा विद्यालय 2 पारियों में चलता है। यदि यहाँ कमरों की कमी न हो तो हम 1 पारी में चला सकते हैं। आप देखिए कितना अच्छा माहौल यहाँ पे है, जब सारे बच्चे एक साथ है, लेकिन हम 2 पारियों में इनको बुलाते हैं। तो मेरा इस अवसर पर सभी पूर्व छात्रों से और माननीय हमारे अतिथियों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि इस विद्यालय की जो कक्षों की आवश्यकता है, इसको पूरा करने में यदि आप हमारा सहयोग करें तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद होगा। बहुत बहुत निश्चित रूप से इस अवसर पर हम आपका बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।